एमएलए गणेश नाइक के जन्मदिन पर सानपाड़ा के कोरोना पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न वितरण। युवा नेता पांडुरंग आमले ने जनसेवा के जरिए दी अपने नेता को बधाई। मुंबई के शिल्पकार गणेश नाइक के बर्थडे पर जनसेवा की नई पहल करते हुए सानपाड़ा के भाजपा नेता पांडुरंग आमले ने प्रभाग 76 के सैकड़ों परिवारों को मुफ्त राशन और खाद्य सामग्री का वितरण किया। अपने लोक नेता के जन्मदिन पर उन्होंने उन परिजनों को मदद करने की कोशिश की जिन्होंने कोरोना के कारण अपने घर का मुखिया खो दिया है। युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि कोरोना ने ऐसे सैकड़ों परिवारों को बेसहारा कर दिया है। लोक नेता गणेश नाइक के आह्वान पर हमारी छोटी सी यह सामाजिक मदद ऐसे कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए राहत और सहारा बन सकती है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दिलाते हुए भविष्य में भी मदद का भरोसा दिलाया। माननीय लोकप्रिय लोक नेता आणि नवी मुंबईचे शिल्पकार श्री गणेशजी नाईक साहेब आमचे सर्वांचे दादा यांच्या आदेशानुसार त्यांनी आम्हाला सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितलं होतं की ह्या वर्षीचा माझा जो वाढदिवस आहे हा कुठलीच भपकेगिरी न करता बॅनरबाजी न करता फक्त आणि फक्त कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी तुम्हाला जे काही करता येईल ते तुम्ही करा आणि त्यांच्याच ह्या आदेशानुसार त्यांच्या वाढदिवसांचं औचित्य साधून आम्ही आमच्या प्रभागात जे कोरोना योद्धा लढता लढता त्यांना जे मरण आले त्यांच्या दुखावटा म्हणून आम्ही त्यांना अन्नधान्याचं किट ज्यामध्ये त्यांना सर्व रेशन कमीत कमी एक महिना पुरेल अशी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। आणि ही भेट आम्ही त्यांना ह्यासाठी देतो आहे कारण ह्या कोरोना महामारीच्या काळात बऱ्याच कुटुंबांना त्यांचे पुढचे दिवस किंवा त्यांचे कमवते बरीचशी लोकं गेल्यामुळे एक त्यांना अडचण निर्माण झाली आणि ती अडचण आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि सर्व आम्ही आमच्या दादांच्या आदेशानुसार करत आहोत। यापुढेही आम्ही त्यांच्या आदेशानुसार अशीच कार्य करत राहू आणि आमच्या लोकप्रिय दादांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आने वाले समय में अगर उनका रोजीरोटी के लिए या काम के लिए जो भी जरूरत मुझसे होगी वो हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। उस माध्यम से हमने ऑलरेडी अनाउंस भी किया है। हमारी खुद की जो कंपनी है वहाँ पे जितने भी हमारे तरुण हमारे दोस्त हैं हमारी बहनें हैं उनके लिए हमने जॉब अवेलेबल करके रखा हुआ है। उसके बाद अगले 4-5 दिनों में हम लोग महिला जनता स्टोर ओपन करने वाले हैं। वहाँ पे प्रभाग में हमारे जितने भी महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके महिला को हम लोग कुछ रोज़गार
प्राप्त हो जाए ऐसी व्यवस्था करके रखेंगे। उसके अलावा आगे जो भी हमारे पास कुछ नियोजन होगा, हम लोग हमारे जो सहयोगी हैं उनसे बात करके उनको रोजगार उपलब्ध करके देंगे। आज हमारे नेते नवी मुंबई के शिल्पकार माजी मंत्री श्री गणेशजी नाईक यांचा वाढदिवसानिमित्त आज आम्ही सर्व या प्रभागामध्ये आमले साहेब असतील, मी स्वतः जगन्नाथ जगताप असेल यांनी 76 व 79 मध्ये आम्ही सर्वांनी जे धान्य वाटप, आम्ही जे कोरोना युद्ध आहे त्यांना, ज्यांच्या घरातली मयत झालेत अशा लोकांना किंवा गरीब लोक आहेत अशांना आम्ही त्यांच्या वाढदिवसानं आज आम्ही धान्य वाटप करीत आहे। जो एक काम करता है वो हम अच्छा काम करता है, और जो समाज जो गरीब है उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे हाथ से फूल ना फूल का पाकली जाना मांगता है, ऐसा हमारा विचार है। अब भी नहीं गया, 5 साल से हम मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि सानपाड़ा के प्रभाग क्रमांक 76 में भाजपा के युवा नेता पांडुरंग आमले द्वारा लगातार एक जनसेवक की तरह सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते हफ्ते सफाई कर्मियों का सम्मान, रक्षाबंधन पर प्रभाग की महिलाओं और बहनों को मुफ्त साड़ी वितरण और बुजुर्गों के लिए छतरी बांटने का आयोजन, ऐसे तमाम लोकोपयोगी उपक्रम हैं जिनके जरिए पांडुरंग आमले जनता के बीच एक लोकप्रिय जनसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।